हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका फिर से नए वीडियो पर। दोस्तों देख सकते हैं इधर हम लोग का घर तरफ का ग्राउंड है और इधर दो तीन दिन से बारिश हो रही है और अभी भी थोड़ा थोड़ा बहुत बारिश हो रही है और हम लोग फिर भी आए हैं फुटबॉल लेके प्रैक्टिस करने के लिए। देख सकते हैं इधर चार पाँच लोग आए हैं। दोस्तों इधर देख सकते हैं ग्राउंड के बगल बगल में चारों तरफ से महुआ का पेड़ है और इसी के बीच में हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। और घास कितना भीगा हुआ है देख सकते हैं, और जहां गड्ढा है वहां पर पानी भी भर गया है। दोस्तों इधर अभी देख सकते हैं रॉकेट शॉट मारने जा रहा है। इसका शॉट देखिएगा, देखिए कितना हाइट से जाता है। अभी तो ये बहुत छोटा है फिर भी इतना ज़्यादा हाइट में शॉट मारता है। बड़ा होने के बाद तो आप समझ सकते हैं। और उधर से दो लड़का है, इधर उधर से वो मारता है, इधर से ये मारता है। रोक दे रहे हैं बॉल, चलो मारो। दोस्तों फिर से बारिश शुरू हो गई है और थोड़ा बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। देख सकते हैं पूरा भींग भी रहे हैं हम लोग। और बारिश छूटने वाला नहीं है, कल भी दिन भर पानी मारा था और आज भी वैसा ही मौसम है और छूटेगा नहीं। दोस्तों इधर देख सकते हैं सब प्रैक्टिस वैक्टिस करके घर जा रहा है। हो गया तुम लोग का प्रैक्टिस? घर जाना है, जाना है। आज तो छुट्टी होगा, 2 अक्टूबर है गांधी जयंती का ना, स्कूल छुट्टी है। चलो अच्छा है, अभी तो 7 बज रहा है, घर भी जाओ, ब्रश व्रश करो, खाना वाना खाओ। और कहीं और नहीं जाना है? मैच खेलने जाना है। ठीक है जाओ, हम लोग भी घर निकलेंगे। दोस्तों टाइम भी हो गया है और 7 बज गया है और पानी तो छूट नहीं रहा है। अभी भी फुहारा के और थोड़ा ज़्यादा ही बारिश हो रही है। इस वजह से हम लोग इधर पेड़ है देख सकते हैं, वहाँ पे हम लोग वहाँ पे रुकते हैं और बच भी जाते हैं। क्या के लिए पेड़ का जो डाल है झुकाव है, इस वजह से एक प्रकार का छाता के रूप में काम करता है। प्रॉपर तरीक़ा से हम लोग बच जाते हैं और टाइम भी हो गया और हम लोग भी घर निकलेंगे। ज़्यादा भीगने से तबीयत भी ख़राब हो सकती है, इस वजह से हम लोग भी घर जा रहे हैं। दोस्तों इधर देख सकते हैं हमारे गांव में एक छोटा सा मंदिर है, हनुमान मंदिर, और बगल बगल में बहुत अच्छा फूल लगा हुआ है देख सकते हैं। यहाँ पर चपाकल भी है एगो। दोस्तों इस तालाब में देख सकते हैं कितना पानी भर गया है। 2-3 दिन लगातार पानी गिरने की वजह से, बारिश होने की वजह से पूरा तालाब भर गया है और लगातार अभी और 4-5 दिन पानी गिरा तो इसका स्तर और भी बढ़ सकता है। और इस तालाब में बता देगा इस बहुत बड़ा बड़ा मछली है और इसका इसको पकड़ना बहुत मुश्किल होता है, जाल उल सब फाड़ देता है। और पानी यहाँ बता दें तो 10 फीट से एबोव पानी होगा। देख सकते हैं यहाँ तालाब का भराव। दोस्तों हम लोग दतुन उतुन तोड़ लिए हैं देख सकते हैं और हम लोग जा रहे हैं घर। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों इसी तरह का ब्लॉग देखने को मिलेगा हम लोग को गांव में। और अभी तो और भी ब्लॉग अभी बनाना बाकी है और अच्छा अच्छा जगह है। आप लोग को ब्लॉग में कंटिन्यू रहिएगा और सब्सक्राइब करके रखिएगा तो इसी तरह का ब्लॉग देखने को मिलेगा। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।